उन्होंने अपने आप से खुद ज्यादा की पहले उन्होंने छोड़ा है अब उसके ऊपर इहतजाज कर रहे हैं उन्होंने कहा जी कि अब मैं ये तरीका करता हूँ कि मैं स्किप कर देता हूँ ना खेलूँ यह गलत बात है वो आपकी कैप्टनशिप में काफी खेले हैं तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे तो मेरे भी कैप्टन रहे हैं बाबर आजम के अंडर खेला तो इसका मतलब उसको ईगो तो नहीं है सईद अजमल जैसा कि आपने भी देखा है कि भारत में एक काफ़ी अरसे बाद कप्तानी के मामले में झगड़ा सामने आया है विराट कोहली और शर्मा के दरमियान तो क्या समझते हैं इसको एक्चुअली देखे टू बी ऑनर्स अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखा जाए तो विराट कोहली ने टी से रिटायरमेंट ली उसने कहा जी मैं रिटायरमेंट नहीं ली मतलब टी ट्वेंटी का कैप्टन नहीं बनूंगा तो मैंने किसी भी टीम में ऐसा नहीं देखा कि टी ट्वेंटी का अलहदा कैप्टन हो वाइट बॉल का और फोर डे का वन डे का लाता कैप्टन हो वाइट बॉल का एक ही कैप्टन होता है टेस्ट का एक ही कैप्टन होता है तो उन्होंने जो भारत बोर्ड ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया उन्होंने कहा जी कि फिर अगर टी ट्वेंटी का कप्तान अगर रोहित शर्मा का बनाया है तो उसको ओ डी आई का भी बना देते हैं विराट कोहली को टेस्ट का बनाते हैं मगर विराट कोहली ईगो के ऊपर आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादी की है मैंने बल्कि उन्होंने अपने आप से खुद ज्यादाती की है पहले उन्होंने छोड़ा है अब उसके ऊपर इहतजाज कर रहे हैं अब वो वापस लेने के लिए उनकी भी बिस्ती होती है और जिस बंदे को उन्होंने कप्तान बनाया है वो भी अच्छा वेल नॉन पर्सन रोहित शर्मा है टॉप प्लेयर है बट अब देखते हैं इनकी जंग कैसे जारी होती है मगर इस जंग में इंडिया को नुकसान ज़रूर हो रहा है कि वो विराट कोहली स्किप कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन ओडीआई से वो टेस्ट मैच से तो ये सारी चीज़ें आपस में लड़ाई इसको ख़त्म करनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। अच्छा विराट कोहली ने कुछ दिन पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा भी है कि मुझे रोहित शर्मा की कप्तानी मंजूर है हाँ। तो इस चीज का आप कैसा समझते हैं वही ना इगो आ गया ना अब अब लोग उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपने ये क्यों कहा है अब उसके ऊपर उसने दोबारा स्टैंड लेने की कोशिश किया उसने कहा जी कि अब मैं ये तरीका करता हूँ स्किप कर देता हूँ ना खेलू ये गलत बात है आपने खेलना तु... तु... चाहिए खेलना चाहिए देखें रिस्पेक्ट वो आपकी कैप्टनशीप में काफी खेले हैं तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर कप्तान टीम का प्लेयर या हमारी पाकिस्तान टीम में नौ कप्तान खेल रहे होते हैं तो खेल ही रहे ना एक दूसरे के हाँ टीम वर्क बाबर आजम कैप्टन हफीज मलक ये शोए मलक तो मेरे भी कैप्टन रहे हैं अब वो बाबर आजम उनके अंडर खेल रहे बाबर आजम के अंडर खेल रहे तो इसका मतलब वो उसको ईगो तो नहीं है सही। तो मिलके खेलना चाहिए तो आपको नहीं लगता कि ये बोर्ड की गलती होगी कि कोहली को हटा दिया और शर्मा को लगा दिया कोई गलती नहीं लग रही है आपको ऐसे? देखें गलती मैं इसको गलती नहीं कहूँगा क्योंकि बोर्ड को उसने यही कहा था टी की कैप्टनसी मैं नहीं करूँगा और वाइट बॉल के लिए दो कप्तान हो तो ये भी गलत बात है तो उन्होंने वाइट बॉल का एक कप्तान कर दिया रेड बॉल का एक कर दिया और रेड बॉल के लिए उन्होंने विराट कोहली को ऑफर दिया अगर वो देखें क्या करते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता न्यूजीलैंड तो यहाँ से चला गया था तो आप समझते हैं ये राहें हम वार होंगी दोबारा आएंगे ऐसी टीम है हमारे पाकिस्तान में देखें अगर राय वार नहीं होती ना तो हम किसी के साथ खेलना भी नहीं चाहिए सही हम देखें इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं हमारा जो मल्क के जो हालात थे वो दो हज़ार नौ के बाद के बड़ी मुश्किल से हमने सही किए हैं और उसके बाद भी अगर कोई टीम आके कहे कि हम मैं नहीं खेलना चाहता तो हम भी नहीं उनके साथ खेलना चाहते हैं। हमें गिव एंड टेक का मामला चलाना चाहिए जो रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि जो हमारे मुल्क से आने से इनकार करेगा हम उनके मुल्क में नहीं जाएंगे ये बड़ी अच्छी बात है और इसके ऊपर हमें कायम रहना चाहिए वेस्ट इंडीज़ आई है हम भी गए हैं श्रीलंका आ रही है हम भी जा रहे हैं अगर इंग्लैंड आएगी तो हम जाएंगे अगर न्यूजीलैंड जाएंगे तो वो भी आएगी अगर नहीं आएगी तो ये इनको इनकार करना चाहिए कि हम नहीं आएंगे तो ये सेटल डाउन एक मिनट में हो जाएगा अब वो अफसोस कर रहे हैं इंग्लैंड वाले भी पछता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भी इसके बाद आ रही है वेस्ट इंडीज़ के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया जो आती है वो सतारह अठारह साल के बाद आ रही है तो अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा हमें और हमारा चेयरमैन जो इसके है इसके ऊपर बड़ा बाजन है कि वो हम स्टैंड लेंगे अगर वो लेगा तो हम भी उनके साथ खड़े हैं हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम पूरी टीम पूरा मुल्क उनका सपोर्ट करेगा अगर वो इसी ज़िद पे अड़े रहें कि जो आएगी तो हम जाएंगे